हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूं 15 फनीएस्ट रिएक्शंस ऑफ इंडियन क्रिकेट फैंस आफ्टर लूजिंग टू इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड से अभी हारा है, बाहर हुआ है। कल तक ज़्यादा दुख था, सोच रहे थे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का देखेंगे, लेकिन इंडिया बाहर निकल गया है। तो इंडिया बाहर निकल चुका है फाइनली, तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये कुछ मीम्स टाइप की वीडियोस। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ये क्रिकेट नहीं था, ये कोई जाती दुश्मनी थी, ये कोई जाती गुस्सा था, ये कौन सा तरीका हराने का यार, एक विकेट तो दो। जब सुबह होगी रात के हाथों में चाय होगी, तब तक साउथ अफ्रीका कहेगा कि हम पहुंच गए हैं सेमीफाइनल में और आप कौन आए हो। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2022 में बहुत से अपसेट देखने को मिल चुके हैं। जैसे पाकिस्तानी टीम का कोई चांस नहीं था, लेकिन फिर भी चलते चलते वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। लेकिन टीम इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों बुरी तरह से जलील हो चुकी है। तो चलिए आज आपको इंडिया के हारने के बाद शायकीन के रिएक्शन दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जैसे कि टीम इंडिया 10 विकेटों से शिकस्त खाने के बाद पूरी ही दुनिया में बुरी तरह से बेइज्जत हो चुकी है, तो इसी के चलते सबसे पहले आपको इस लड़के का रिएक्शन दिखाएंगे, जो स्पोर्ट तो पाकिस्तान की कर रहा है, लेकिन इसे भारतीय टीम के हारने का दुख भी अपनी जगह पे है। इंडियन हमारे हमसाए, आज उन पे मुश्किल का टाइम है, तो हमारा हक बनता है कि हम उनका साथ, क्योंकि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजड़ा भी मर जाए। मेरी तरफ भावे सजड़ मार जाए, भावे ऐसी फाइनल आ जाए, लेकिन जो जिन्हों ने लही है ना, अल्लाह किसी ना इसी तरह इंडिया के मैच से पहले इनका मीडिया पाकिस्तान को बुरी तरह से तंजिया बातें करने में लगा था, लेकिन जैसे ही इंडिया को इतने गंदे तरीके से हारना पड़ा, तो ये इंडिया का यही मीडिया अपनी टीम के हारने पे रोना धोना शुरू हो जाता है। गेम है, कभी कोई जीता कभी कोई हारता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। जिस तरीके से रफी ये कुछ फनी कर रहा है वह बंदा, ये क्रिकेट नहीं था, ये कोई जाती दुश्मनी थी, ये कोई जाती गुस्सा था, ये कौन सा तरीका हराने का यार, एक विकेट तो दो। दोस्तों, अब जैसे कि इतना मजा हमें पाकिस्तान के जीतने का नहीं आता, जितना हमें इंडिया के हारने का आता है। जैसे ये स्टेडियम का मंजर ही देख लें, यहाँ पे इंडिया और इंग्लैंड का फाइनल हो रहा था, और इस मैच में इंडिया को हारते हुए देख के एक पाकिस्तानी बंदे की खुशी की इंतहा चेक कर लें। ये देखें आप, लेवल देखें। अगली वीडियो में तो ये लोग हद ही पार कर देते हैं, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड का मैच देखने पाकिस्तानी लोग भी आए हुए थे, और मैच के दौरान इंडिया को हारते हुए देख के पाकिस्तानी लोग इंडिया के लोगों को छेड़ने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू हो जाते हैं, जिससे ये लोग आपस में लड़ने भी लग जाएंगे। यार ऐसे चढ़ाओगे तो बुरा तो लगेगा ना। दोस्तों, इसी तरह इंडिया के हारने का मंजर हो या फिर पाकिस्तान के हारने का, ये मोमिन साकिब हमें इंटरटेन करने से पीछे नहीं रहते। इंडिया के हारने पे इनका मजाहिया रिएक्शन भी जरा देख लें। अरे सबको यूनिफॉर्म वो पहना दिए नाम से। दोस्तों, इंडिया को बुरी तरह से आग लगाने वाली हमारे वजीरे आजम शहबाज शरीफ की ये ट्वीट सच में बहुत कमाल की थी। ओहो, उन्होंने भी करी थी। दोस्तों, अब जैसे कि हार जीत गेम का हिस्सा हुआ करती है, लेकिन इंडियन कप्तान रोहित शर्मा की ये हालत देखते हुए आपको भी तरस आ जाएगा। ख्वाब होगा यार बंदे का कि वर्ल्ड कप जिताया जाए इस बार, अपनी कैप्टेंसी में एक नाम हो।
अगली वीडियो में इंडियन मीडिया अपनी टीम को शर्म दिलाना शुरू हो गए हैं और दूसरी बार इतना बुरा हारने के बाद टीम इंडिया को वाकई कुछ शर्म लेनी चाहिए। आती है शर्म? नहीं आती ना तो आनी चाहिए। दुख होता है? नहीं होता ना तो होना चाहिए। कर लो दुख, कर लो थोड़ा शर्म, क्योंकि भारत एक बार फिर वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। भारतीयों के लिए एक बार फिर ताली बजा देता हूं। तो खत्म हो गया सपना वर्ल्ड कप जीतने का, 15 साल का इंतजार, इस बार हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, ये हमारा वर्ल्ड कप है। दोस्तों जब दुनिया के सामने टीवी पे बैठ के आपको अपनी मुखालिफ टीम की तारीफ करनी पड़े तो दिल चूर चूर हो जाया करता है, जैसे यही लोग देख लें जिनको इंडिया के हारने के बाद ये सब कहना पड़ रहा है। खुश तो होना बनता है आज, आज तो मतलब पाकिस्तान इस रात को भुला नहीं पाएगी, अरसे बाद वो फाइनल खेलेंगे अफगानिस्तान, 5 सालों के बाद 2017 का जो फाइनल खेला चैंपियंस ट्रॉफी भारत के साथ, 5 साल के बाद फाइनल खेलेंगे। इंडिया ने कहां खेला उसके बाद फाइनल। इसी किसी तरह अपनी टीम की हार का बदला लेने के लिए अब सारे इंडिया लोगों को ऐसे ही नारे मारने चाहिए जैसे इरफान पठान मार रहे हैं। दोस्तों अब जैसे कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के हारने पे ऐसे मजाक उड़ाते थे तो ऐसे में नतीजे भी ऐसे ही निकला करते हैं और फिर उल्टा इनके मीडिया के लोगों को ऐसे ही गुस्सा आएगा जैसे ये बेचारा बंदा रोने धोने पे इंतहा ही कर देता है। टीम है ये नेशनल टीम नहीं है, बताइए जिसमें पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं है, जो किसी अंदाज से देख लिया था, कभी रोहित नजीर को खिला लेते, कभी ये बंदा इंडियन नहीं है, कभी पाकिस्तान है, अरे पता नहीं कौन कौन से घंटे पकड़ के खिला देते, और ये आपके कहां गए इनके टुकड़े, चैनल देखा है सुबह को, बिल्कुल कुछ झेल लिए पाकिस्तान की, ये स्वादेशी टोला। दोस्तों ये इंडिया का न्यूज एंकर अपनी टीम के हारने पे तबसरा कर रहा था और इसी दौरान पीछे से आने वाले ये दोनों लड़के इसकी अच्छी खासी बैंड बजा के चले जाते हैं। फिर बार बार वही बोलूंगा यार, हमारे ओपनर्स बनता नहीं था, बोलिए बोलिए बोलिए, जीतेगा जीते अगली जन्म में जीते। अगली वीडियो में टीम इंडिया हारने के बाद घर को जाने के लिए तैयारी पकड़ रही है और इनके जाने पे इंडिया के लोग भी अपने दिल को तसल्ली देने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या बोला? इसी तरह इंडिया की आवाम को इतनी बुरी तरह हारने के बाद नरेंद्र मोदी के इस पैगाम को गौर से सुनना चाहिए। बड़े मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, क्या हुआ? मुस्कुराते हुए आ रहे हैं तो क्यों नहीं मुस्कुराएं? नहीं कैसा लगा? इंडिया से मुस्कुराएंगे नहीं कि हम नहीं मुस्कुराएंगे तो कौन मुस्कुराएगा यार? क्या हुआ? 10 विकेट की हार तो क्या हो गया फिर? कैसे यार, दो गेम है, मौका मौका में तो 2 टीवी तोड़ दी। मौका किसने किया? मैंने किया नहीं। मेरे तक आवाज आ रही है, आप लोग रोना बंद कर दिए, मेरे तक आवाज आ रही है। तो दोस्तों ये थे इंग्लैंड से बुरी तरह हारने के बाद इंडिया के लिए लोगों के कुछ ऐसे रिएक्शंस जिन्हें देखकर यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। तो इन सब में से कौन सा रिएक्शन आपको सबसे ज्यादा मजे का लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। पब्लिक के साथ साथ फैंस के रिएक्शन थे, इंडियन फैंस के रिएक्शन थे और जो मीडिया पर बैठकर जो बोल रहे थे कुछ मुझे कंफ्यूजिंग भी लगे इसमें वीडियोस, जैसे कि वो स्टेडियम वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा था, वो पाकिस्तानी बंदा जो खड़ा हुआ था दाढ़ी वाला वो पाकिस्तान का था या इंडिया का था? इंडिया में भी होते हैं मुस्लिम, दाढ़ी भी होती है, लेकिन मैं ये सोच रहा था वो बंदा किसको क्या कह रहा है, वो जो स्टेडियम में जो लड़ाई वाला सीन दिखाया था ऐसा वैसा होता नहीं है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला। इंग्लैंड का मैच देखने पाकिस्तानी भी पहुँचे होंगे, जाहिर सी बात है पहुँचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर वहाँ पर गेम पलट गया इंडिया हारने लगा तो वो खुश भी होकर चिढ़ा भी रहे होंगे कि रो रहे हो रो रहे हो। एक ये बंदा जो लास्ट में अभी आया था कि यार मैंने किया है वो मौका मौका, वो थोड़ा चिढ़ा हुआ सा था अंदर से कि आप बहुत खुश नज़र आ रहे हो, खुश हो खुश नहीं होने के बाद जो जिताने पहुंचे हुआ अपनी टीम को, वो निकलने के बाद स्टेडियम से उस आपसे पूछा जाएगा कुछ उल्टा सीधा, मतलब ये पूछा जाएगा आप खुश लग रहे हो भाई, मतलब दुखी है बंदा उससे पूछे खुश लग रहे हो, तो वो जवाब तो ऐसे ही देगा ना गुस्से में। खैर जो भी था इसके अंदर मीम थे, रोहित शर्मा ने सोचा होगा कि मेरी कैप्टेंसी में जीत जाएँ, एंड इंडियन मीडिया को भी दिखाया इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बोल बोल गई थी और बोलती है हमेशा, मैंने भी देखा है कि यार
ये होगा वो होगा, जीत जाएंगे हम तो पहुंचे हुए हैं, तो वो बड़े बोल मुझे लगता है कि नहीं बोलना चाहिए। मतलब अक्सर ऐसे बोल नहीं बोलना चाहिए जो आपको जाकर बाद में आपको नीचा दिखवा दें। ये बड़े बोलों की खिंचाई होती है। इरफान पठान प्लेन में जो वीडियो दिखाया था वो भी सही था कि जीतेगा वही जीतेगा के नारे लग रहे थे और ऊपर लिखा हुआ था बैक टू इंडिया, मतलब फ्लाइट इज़ गोइंग टू बैक इंडिया। और एक बंदा जो इंडिया का बता रहे थे शायद ये इंडियन मीडिया का, लेकिन नहीं उनका चैनल देखा है मैंने, तो वो एक पाकिस्तानी बंदा है जो क्रिकेट पर कमेंट्री करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की। सो ये क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मेरे अंदर नॉलेज है, ये मेरी देखी हुई चीज़ है। इसलिए मीम्स की बात आए, फ़नी क्लिप्स की बात आए, तो मोमिन साकिब का नाम ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। मोमिन साकिब भी थे इसमें जो मज़े कर रहे थे, मतलब उदास होकर सैड होकर। इंडियन एक ब्लॉगर थे, उनके साथ कोलेब्रेशन किया था उन्होंने एक वीडियो में, मैंने देखा था उनको, तो वो उस टाइम उदास होकर चले गए जब इंडिया हार गया था। मतलब उस मैच में देख रहे थे साउथ अफ्रीका और वो उसके मैच में वो थे वहाँ पर गौरव तनेजा के साथ, तो वो मैच देखने के बाद उदास होकर चले गए थे वो। सो अब उनका रिएक्शन आ रहा है, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, मतलब सबको गले लगा रहे हैं ड्रेसेस पहनाकर, इंडियन ड्रेसेस पहनाकर। तो ये ऐसी हरकतें करते हैं, ये फ़नी अंदाज में फ़नी हरकतें ये करते रहते हैं, इनके ऊपर मीम्स बनते रहते हैं और ये मीम वाला मटेरियल खुद देते हैं पब्लिक को। तो देखते हैं फाइनल में क्या होता है। बाकी इस वीडियो को अगर आपने ज़रा भी पसंद किया हो तो लाइक करना, और कोई वीडियो हमसे शेयर करना चाहते हैं जिस पर हमारा रिएक्शन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और साइनिंग ऑफ।